तो यार आज संडे है और संडे संडे मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियोस लाऊंगा जिसके अंदर मैं ऐसे क्वेश्चंस रखूंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो, मे भी सुने होंगे लेकिन उन पर कभी गौर नहीं किया होगा या फिर आपके मन में कभी डाउट आया होगा ऐसा लेकिन आपने उसे इग्नोर कर दिया होगा। आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और हर संडे मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठाऊंगा ट्रांसफार्मर से। अब ट्रांसफार्मर से पहला क्वेश्चन ये है कि मान लिया मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक, उसकी जो करंट है वो 1 एम्पियर है और उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट का, ठीक। इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट का, आउटपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट का और उसकी जो करंट है वो है 1 एम्पियर। अब मेरे से किसी ने कहा कि इसकी जो करंट है मैंने इंक्रीज़ कर दी, आउटपुट करंट वोल्टेज उतना ही है, करंट इंक्रीज़ करा दी, तो करंट मेरी जो बढ़ेगी, मान लिया उसने कहा कि मुझे 3 एम्पियर करंट चाहिए, ठीक। अब वो 3 एम्पियर करंट बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है मेरे ट्रांसफार्मर का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो फिर आप क्या जवाब देंगे कि वहाँ पे जो खर्चा बढ़ा है वो किस चीज़ का बढ़ा है? आपके मन में सिंपल सा आंसर आएगा कि उसमें भाई वाइंडिंग का चेंज करेंगे, आंसर आ जाएगा वाइंडिंग का चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमारी करंट है बढ़े या घट जाएगी, ठीक। तो ये तो हो गया नॉर्मल इंसान का आंसर ही। अगर आप टेक्निकल बंदे हो तो आपको टेक्निकल आंसर देना है। टेक्निकल आंसर कैसे देना है कि आप ये बोलेंगे कि उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग, तो उसके ऊपर जो कॉपर लगा हुआ है, वाइंडिंग जो की हुई है, उसकी जो थिकनेस यानी कि उसकी मोटाई, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा और उसका कॉस्ट हमें देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज़ होगी। जैसा कि आपको ओम्स लॉ से पता भी होगा कि हम तार के थिकनेस को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हमारी करंट इंक्रीज़ होगी। तो ये एक टेक्निकल और गुड आंसर है कि आपको इस टाइप से आंसर देना है कि उसको भी लगे कि हाँ कोई टेक्निकल पर्सन आंसर दे रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हम उठाएंगे ट्रांसफार्मर या फिर आप बोल लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन से। अब इलेक्ट्रिकल मशीन से क्या क्वेश्चन होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, दोनों इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट हैं, दोनों इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो ये तो बात हो गई कि दोनों इलेक्ट्रिकल मशीन के अंडर में आते हैं, बट अगर मैं पूछूं कि ट्रांसफार्मर है, जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर या फिर स्टेप अप स्टेप डाउन, जितने भी ट्रांसफार्मर हैं या फिर ट्रांसमिशन लाइन में जो बूस्टर ट्रांसफार्मर वगैरह यूज़ होते हैं, वो सारे स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक। और जो मोटर होती है वो सर्कुलेट होती है, यानी गोल क्यों होती है? तो जो मोटर होती है वो सर्कल शेप में होती है और ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे स्क्वायर में होता है। और कोई कोई ट्रांसफार्मर सर्कल वाले भी होते हैं लेकिन वो सक्सेसफुली इतने ज़्यादा नहीं है। आप भी देखें मैक्सिमम जगह पे आपको स्क्वायर वाला ही ट्रांसफार्मर मिलेगा जिसमें इस टाइप की कोर लगी होती है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि ट्रांसफार्मर स्क्वायर और मोटर गोल क्यों होती है, तो मैं अगर अपने ओपिनियन से आंसर दूँ, ये कोई मैं थ्योरी बुक से या फिर कहीं से सुन के नहीं आया आंसर या फिर कहीं से भी डिस्कवर नहीं किए हैं, ये मैंने खुद से ही सोचे हैं। आपको भी इसके बारे में अगर कोई अच्छा आंसर पता हो तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप भी दे सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ जिससे आपको एक थिंकिंग चीज़ मिले, यानी कि आप कोई सोच सकें। तो मैं आंसर क्या दूंगा कि जो मेरा ट्रांसफार्मर है स्क्वायर वाला, वहाँ पर मुझे एक सिमेट्री मिलेगी, यानी कि जो मेरा स्क्वायर बना हुआ उसमें मुझे वाइंडिंग करने में आसानी होगी। हम इस साइड या फिर सेंटर में करते हैं वाइंडिंग, तो हमें वाइंडिंग करने में आसानी होगी, जो मेरी सिमेट्री है वो कंटिन्यू बन जाएगी, इससे मेरी वाइंडिंग जो है प्रॉपर फॉर्म में हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ, एक मान लिया मेरे पास सर्कल टाइप का ट्रांसफार्मर है, तो वहाँ पर मैं वाइंडिंग करूँगा लेकिन हो सकता है मेरी वाइंडिंग के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाए जिसकी वजह से मेरी वाइंडिंग कम या ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से मेरा ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। आप जानते हैं कि वाइंडिंग में अगर थोड़ा बहुत भी ज़्यादा माइनर सा भी चेंज कर दो तो उसकी वजह से लॉस हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर जल सकता है, फूक सकता है, ये सारे नुकसान हो जाते हैं। अब मैं बात करूँगा जो मोटर होती है वो गोल क्यों होती है। तो अगर मान लिया मोटर है, मान लिया मोटर का शेप स्क्वायर फॉर्म में कर दूँ, लेकिन जब वो रन करेगी, मेरे को पता है मोटर गोल गोल ही रन करेगी, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन अगर मैं उसको सेट कर दूँ, उसको मैं रोटेट करा दूँ, तो जब अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होगी तब वह मैं अगर उसको देखूंगा तो वो एक सर्कल फॉर्म में ही कन्वर्ट करेगी, यानी कि मैं उसमें कोई भी शेप लगा दूं वो जब रोटेट करेगी तो वो सर्कल फॉर्म में आ जाएगी। तो लोगों ने सोचा कि जब ये सर्कल फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रही है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सर्कल ही क्यों ना करें, क्यों हम चेंज करें इसके स्ट्रक्चर को। तो मेरा ऐसा मानना है, ये हो सकता है इसका आंसर।